दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांभवी और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि यदि आपकी भक्ति सच्ची और नियत साफ हो तो ईश्वर खुद आपका साथ देने के लिए आ जाते हैं। यह कहानी है सीधे साधे ईश्वर भगत धन्ना जाट की, जिन्हें गांव के पंडित से लेकर लोगों तक हर कोई मूर्ख बना कर जाता है। ऐसे हाल में उन्हें ईश्वर ने कैसे दिव्य ज्ञान दिया, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए, एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारे पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए, इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है।
यह कहानी उस समय की है जब समाज पर जातिवाद जैसे भेदभाव अपने चरम सीमा पर थे। यह कहानी है राजस्थान के टोंक जिले के धुवा गांव के उस भक्त की, जिसने अपनी श्रद्धा और प्रेम से प्रभु को अपना सखा बना लिया, अपना मित्र बना लिया था। यह कहानी है सीधे साधे और भोले से ठाकुर भक्त धन्ना जी की। कहा जाता है कि भक्त धन्ना जी व्यवहार से बहुत ही ज्यादा भोले और दिल से एकदम नेक और साफ थे। उनके मन में किसी तरह की कोई मेल नहीं थी। माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी, इसलिए वह अपने चाचा चाची के यहां रहते थे। कहते हैं कि उनकी एक बहन भी थी जिससे धन्ना जी बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। वे अपनी बहन की बातों को बहुत गंभीरता से सुनते भी थे और मानते भी थे। उनके सीधे और सरल होने के चलते उनकी चाची ने उनके हिस्से गांव का बंजर खेत दे दिया था, जहां ना फसल उग सकती थी और ना ही पशु पक्षियों के लिए चारा था। सरल शब्दों में कहें तो बेकार पड़ी हुई जमीन चाची ने धन्ना के हिस्से जानबूझकर डाल दी थी। पास कुछ गाय और बैल भी थे जो उधार के थे। फिर भी भक्त धन्ना जी हर रोज सुबह ईश्वर को प्रणाम करके एक नई ताजगी के साथ सुबह सुबह गांव वालों को दूध बेचने जाया करते और फिर दिन के सारे समय में अपने बंजर और ऊबड़ खाबड़ खेत को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया करते थे। शाम होती तो अपने घर आते और बहन द्वारा बनाया हुआ जो रूखा सूखा मिलता उसी से गुजारा करते। जीवन में परेशानियां तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन मजाल है कि भगत धन्ना के चेहरे पर दुख की एक रेखा भी किसी को मिल जाए। वे हमेशा खुश रहते थे। कई लोग उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया करते थे। भगत जी सबकी बात सुनते और फिर अपने काम को निकल जाते। कभी खुद के भोजन के लिए तो कभी पास पड़े हुए गाय बैलों के भोजन के लिए। कभी दूध में पैसे की बचत नहीं होती तो कभी गांव के लोग उन्हें ठग लेते। इस पर कई बार उनकी बहन भी बीमार हो जाया करती। दवा का बंदोबस्त तक बड़ी ही मुश्किल से होता, लेकिन भक्त धन्ना जी किसी बात की भी चिंता नहीं किया करते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती। गांव के लोग अक्सर भक्त धन्ना जी के भोलेपन का मजाक उड़ाया करते थे और उनसे अपना फायदा निकाल लिया करते थे। भक्त धन्ना जी को कभी समझ में नहीं आता था कि लोग उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि उनकी बहन जो उनके पिता की तरह डांटा भी करती थी और माता की तरह प्यार से समझाया भी करती थी,
कहते हैं कि गांव में एक लालची पंडित रहता था, जो सुबह शाम ढोंग ही ढोंग करता। वह लोगों को ठगता और कई पैसे कमाता। भगत जी के पास गांव का लालची पंडित हर रोज दूध लेने आता था। उसने धन्ना को अपनी बातों में ऐसा उलझाया था कि वह धन्ना जी से हर रोज मुफ्त में ही दूध ले जाता था। पंडित पहले अपने लिए दूध लेता, फिर श्री कृष्ण यानी ठाकुर जी के लिए लेता। धन्ना भगत बहुत ही भोला और सीधा साधा था। उसने ना तो कभी ठाकुर जी को देखा था और ना ही कभी मंदिर जाकर उनके दर्शन किए थे। वह इतना भोला था कि उसे लगता था कि ठाकुर कोई बलवान व्यक्ति है जो ऐसे बड़े विद्वान पंडितों को बहुत ज्ञान देता है, उन्हीं के साथ उठता बैठता है और उन्हीं के कहने पर गांव का ध्यान भी रखता है। वे सोचता कि हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो ठाकुर से बात करना भी नहीं आएगा, लेकिन हम दूध देकर उसे बता सकते हैं कि हम भी अच्छे लोग हैं। पंडित धन्ना के मन की बात भली भांति समझता था, इसीलिए वह ठाकुर जी को प्रसन्न करने के नाम पर हर रोज दूध की अलग बाल्टी धन्ना से लेकर जाया करता। दूध लेने के बाद पंडित जी सीधा मंदिर जाते और चौकी पर सजी ठाकुर जी की पत्थर की मूर्ति को दूध का छींटा लगाते, कुछ मंत्र पढ़ते और फिर सारा का सारा दूध खुद ही गटक जाते। धन्ना अपने भोलेपन के चलते कहता, पंडित जी अब तो आपके ठाकुर जी काफी हष्ट पुष्ट हो गए होंगे, इस गरीब के दूध में मेहनत और ताकत छुपी है जो तुम्हारे ठाकुर जी को हर रोज मिलती है। पंडित खुश होता हुआ और धन्ना को बेवकूफ बनाते हुए कहता, धन्ना ठाकुर जी तो दिन भर तुझे याद करते हैं, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के तो दर्शन मैं करना चाहता हूं। धन्ना हंसता हुआ जवाब देता, अरे पंडित जी सच बोलो, ठाकुर सही में मुझे याद करते हैं या सिर्फ बाल्टी भर भर के दूध ही पीते हैं? पंडित जी फिर बोले, कैसी बात करते हो धन्ना, ठाकुर जी को भला किसी चीज की क्या आवश्यकता, वो तो सबके मालिक हैं। तुम पर प्रसन्न है इसीलिए तुमसे ही दूध लाने को कहते हैं। वो क्या है ना, तुम्हारे दूध में सिर्फ दूध ही होता है, बाकी सारे लोग तो दूध में पानी मिलाकर देते हैं जो ठाकुर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो तुम पर इतने प्रसन्न है कि कल कह रहे थे कि मैं धन्ना के सारे कष्ट सारे संकट हर लूंगा। धन्ना हंसता हुआ बोला, वो मेरे कष्ट हरने की आवश्यकता अभी नहीं है पंडित जी, अगर आपका ठाकुर मेरी इतनी तारीफ करता है तो मुझे लगता है कि ठाकुर काफी बलशाली हो गया होगा मेरा दूध पी पी कर। चलो आज मिल ही लेता हूं आपके उस ठाकुर से भी, देखता हूं मेरे जितना बलवान बन गया है या मुझसे भी ज्यादा सेहत बनाई है उसने। जब भी भगत धन्ना इस तरह की बात करके ठाकुर जी से मिलने की बात करता तो
पंडित जी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे ठाकुर जी से मिलने नहीं देते थे। कभी कहते कि ठाकुर जी भक्ति में लीन है, तो कभी कहते कि ठाकुर जी महाभोज के लिए गांव से बाहर गए हैं। इस तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। गांव का पंडित, गांव के लोग और धन्ना के रिश्तेदार सभी उसे दिन प्रतिदिन छलते ही जा रहे थे। धन्ना को इस बात से उनकी बहन कई बार अवगत कराती, उन्हें समझाती, लेकिन धन्ना ठहरा भोला भगत। वह राम का नाम लेता और सबके कार्य बिना कोई शिकायत किए करता। एक बार की बात है, भक्त धन्ना जी की बहन बहुत ज्यादा बीमार हो गई। दोनों भाई बहन गांव में जाने माने थे, इसलिए बहन के बीमार होने की खबर का जैसे ही लोगों को पता चला तो उनके घर लोगों का आना जाना लग गया। एक जाता तो दूसरा आता, दूसरा जाता तो तीसरा आता। भक्त धन्ना जी दिन रात अपनी बहन के पास बैठे रहते थे। भगत जी की चिंता को देखकर एक बार गांव के एक आदमी ने उनसे कहा, तुम परेशान ना हो धन्ना, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। इस पर भक्त धन्ना जी ने ऊपर देखते हुए एकदम से जवाब दिया, ऊपर वाला? ऊपर कोई रहता है क्या? कौन ऊपर वाला? आदमी ने जवाब दिया कि ऊपर भगवान रहता है जो सब कुछ ठीक कर देगा। भक्त जी ने कहा, अगर वो ऊपर रहता है तो फिर तो उसे अपनी तकलीफ सुनाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना पड़ता होगा, और वो इतनी दूर से यहां कैसे आएगा? क्या उसके पास भी मेरे जैसे बैल हैं? आदमी ने सोचा, मैं भी किस पागल से ज्ञान की बात लेकर बैठ गया। उसने भक्त जी को प्रणाम किया और उन्हें मूर्ख समझते हुए अपना रास्ता नाप लिया। अगले दिन जब लालची पंडित धन्ना के घर दूध लेने आया तो उसे कहीं से पता चल गया कि धन्ना की बहन बहुत बीमार है। उसने देखा और सोचा कि यह मौका तो बहुत अच्छा है धन्ना से ज्यादा दूध लेने का। इतना कहकर वो सीधा धन्ना के पास राम राम करता हुआ आया और अपने थैले से एक अमरूद निकालता हुआ बोला, ओ धन्ना, ये ले प्रसाद, ठाकुर जी ने खुद अपने हाथों से तेरे लिए भेजा है। कहा है कि धन्ना की बहन जो बीमार है उसे दे देना, इसे खाते ही वह ठीक हो जाएगी। धन्ना खुश हो गया। जैसे ही उसने प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पंडित जी ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? धन्ना ने पूछा। इस पर पंडित जी ने उत्तर दिया कि धन्ना, ठाकुर जी ने कहा था कि आज दूध थोड़ा ज्यादा लगेगा। वो क्या है कि धन्ना उनके गांव वृंदावन से उनके कुछ रिश्तेदार आए हैं उनसे मिलने के लिए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ तुम्हारे दूध की इतनी तारीफ की है कि उनके रिश्तेदारों ने भी आज दूध पीने की मांग कर दी है। और वैसे भी
जैसे ही ठाकुर जी को पता चला कि तुम्हारी बहन बीमार है, वो तो खुद आ रहे थे, लेकिन उनके मंदिर में आज मेहमान आए हैं, इसीलिए उन्होंने खुद अपने हाथों से तुम्हारी बहन के लिए यह प्रसाद भेजा है। धन्ना प्रसाद लेकर बहुत खुश हुआ और पंडित जी को आज पहले से दो गुना दूध देते हुए बोला, ठाकुर को बोल देना कि पहले रिश्तेदारों को दूध पिलाए, कहीं खुद ना पी जाए सारा, क्योंकि आज दूध हमारे लिए भी नहीं बचा है। अब और लेने आओगे तो कल ही मिलेगा। पंडित जी ने खुशी खुशी धन्ना को बेवकूफ बनाया, दूध की दोनों बाल्टियां उठाई और सीधा मंदिर की ओर चल दिए। दूसरी ओर धन्ना ने अपनी बहन को ठाकुर जी का प्रसाद यानी वो अमरूद देते हुए कहा कि ये देखो, ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए ये प्रसाद भेजा है। अरे वही ठाकुर जी जो रोज हमारे यहां का दूध पीता है, सुना है अब तो वो काफी तगड़ा हो गया है। ये उसी ठाकुर ने दिया है जो सारे पंडितों का पंडित है। तुम इसे खाओगी तो तुम भी ठाकुर की तरह तगड़ी हो जाओगी। अब यह धन्ना की किस्मत थी या फिर कोई ऊपर वाले का चमत्कार, उनकी बहन पंडित जी द्वारा दिया हुआ अमरूद खाते ही ठीक हो गई। बहन को ठीक होता हुआ देख धन्ना जाट की श्रद्धा पंडित पर और बढ़ गई। अब धन्ना पंडित का हर कार्य खुशी खुशी करता। पंडित जितना दूध मांगता उसे बिना सोचे समझे दे दिया जाता। एक बार की बात है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जब धन्ना अपने बैलों के साथ खेतों में काम कर रहे थे कि उनका एक बैल ईश्वर को प्यारा हो गया। बहन की शादी के लिए खेत का उपजाऊ होना जरूरी था, इसलिए धन्ना ने सोचा पंडित से ही मदद मांगता हूं, और वो सीधा मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचने पर भक्त धन्ना जी ने देखा कि पुजारी जी ने पत्थर को सजाकर आसन पर बिठाया हुआ है और उसे अच्छे वस्त्र, सोने के गहने, चंदन का तिलक तक लगाया है। धन्ना ने पंडित को अपनी दुविधा बताई और मदद मांगी। पंडित ने फिर उन्हें छलने का मौका पाया और कहा कि ये ठाकुर जी हैं, इन्हें ही सुनाओ अपना हाल, तुम्हारी सहायता यही करेंगे। धन्ना एकदम से बोल पड़ा, ये पत्थर है ठाकुर जी? पंडित गुस्से में लाल हो गए और एकदम से बोले, ऐसे नहीं बोलते मूर्ख, ये प्रभु हैं, सबके कष्टों को दूर करने वाले। धन्ना जी फिर बोले, ये सारे कष्टों को दूर करते हैं? हां भाई हां, यही तो है सृष्टि के पालनहार, सभी के काज करने वाले ठाकुर जी। जैसे हम इनके हैं वैसे ही ये हमारे हैं। धन्ना जी बोले, तो क्या ये बंजर खेत भी जोत सकते हैं?
अरे ये सब कुछ कर सकते हैं धन्ना। धन्ना मन ही मन सोचने लगा कि ये मेरी बहन की शादी भी करवा देंगे और सारा कर्जा भी उतार देंगे। मतलब ये मेरी हर बात मानेंगे। धन्ना खुशी से पंडित से बोला, एक काम करो पंडित जी, मुझे ये ठाकुर जी दे दो। तुम्हें इसकी क्या जरूरत? इसकी असली जरूरत तो मुझे और मेरे बंजर खेत को है। पंडित जी गुस्से से फिर बोले, अरे पागल, ठाकुर जी ऐसे ही नहीं मिलते। चलो यहां से, ठाकुर जी को भोग लगाने का समय हो गया है। पुजारी जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और दूध का लोटा ठाकुर जी के आगे रखते हुए पर्दा आगे कर दिया। ये देख थन्ना और ज्यादा प्रभावित हो गया और मंदिर से बाहर आ गया। अब धन्ना जी के मन में ठाकुर जी को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब शुरू हो गए थे और वे आखिर में एक निष्कर्ष पर पहुंचे, मुझे ठाकुर जी किसी भी हाल में बस चाहिए ही चाहिए। पंडित को धन्ना की बातों पर अब और हंसी आ रही थी। पंडित ने धन्ना को ठगते हुए कहा कि एक काम करो, शाम को अपने दोनों बैल और गाय ले आना और ठाकुर जी को ले जाना। धन्ना खुशी से पागल हो गया और सारे रास्ते यही सोचता रहा कि वो ठाकुर जी से क्या क्या काम करवाएगा। घर पहुंचकर उसने मंदिर में हुई सारी बातें अपनी बहन को सुनाई। बहन ने धन्ना को समझाते हुए कहा, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, भला ऐसे कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। धन्ना जी बहन की बातों को जैसे सुनना ही नहीं चाहते थे। धन्ना बोले, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है ठाकुर जी को लोटा भर के दूध पीते हुए। अगर वो पंडित की सारी बात मान सकते हैं तो मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? आखिरकार दूध तो वो हमारे यहां का ही पीते हैं ना, वो भी मुफ्त में। ये कहकर धन्ना अपनी बहन की बातों को अनसुना करके अपने बैल और गाय को लेकर पंडित के पास पहुंच गए। धन्ना और उसके गाय बैल को देखकर पंडित खुश हो गए। उन्होंने सोचा, लेकिन इसे ठाकुर कैसे दे दूं? पंडित जी ने अपने रसोई से सिलबट्टे का पत्थर उठाया और एक कपड़े में लपेट कर धन्ना को देते हुए कहा, ये रहे तुम्हारे ठाकुर जी, इनका मुंह यहां मत देखना। इन्हें आराम से घर जाकर एक अच्छे से आसन पर बैठाना, अच्छे वस्त्र पहनाना, फूल फल चढ़ाना और हां, खाना खाने से पहले इन्हें भोग जरूर लगाना और पूजा पाठ करते रहना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। धन्ना जी के हाथों में जैसे ही वो पत्थर दिया, उनकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपने जीवन में पता नहीं क्या ही पा लिया है। धन्ना
खुशी से पुजारी से बोले, लेकिन पंडित जी वो मंत्र तो मुझे नहीं आते जो आप बोलते हो। पंडित जी ने सर से बला टालते हुए कहा, ठाकुर जी प्रेम की भाषा समझते हैं, तुम जय ठाकुर जी करते रहना बस। और हां, इस बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो सब मेरे पास आ जाएंगे ठाकुर जी लेने। धन्ना ठाकुर जी को अपने सीने से लगाए ऐसे घर लेकर जा रहे थे जैसे कोई अपनी सारी कमाई लोगों की आंखों से बचा कर लेकर जा रहा हो। भक्त धन्ना जी घर पहुंचे, उन्होंने एक साफ जगह पर ठाकुर जी को आसन दिया और उनके सामने चटाई बिछाकर उन्हें देखते रहे। उनकी बहन दरवाजे पर खड़ी अपने भाई की आंखों में प्रेम भक्ति के भाव का अनुभव कर रही थी। मंदिर के शंख के साथ भक्त धन्ना जी की आंखें खुली और उन्हें यह एहसास हुआ कि आज उनसे उठने में देरी हो गई है। जल्दी से गाय बैल को चारा डालने बाहर गए तो देखा कि आंगन में ना गाय थी और ना ही बैल। फिर उन्हें याद आया कि ठाकुर जी अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें स्नान करवाना है और उन्हें भोग लगाना है और फिर खेत में उनके साथ काम करने जाना है। भक्त धन्ना जी के कमरे में जाकर ठाकुर जी को देखते हैं और कहते हैं, उठ जाओ ठाकुर जी, बहुत काम है, आप जल्दी से नहा लीजिए, बाद में भोग लगाकर खेतों में भी जाना है, मैं आपके स्नान का प्रबंध किए देता हूं। ठाकुर जी मानो मन ही मन अपने भक्त के बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हों। भक्त धन्ना जी ने प्रभु को स्नान करवाया और उन्हें अच्छे से आसन पर बिठाया। घर में जो सबसे सुंदर कपड़ा था उसे ठाकुर जी के वस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। ठाकुर जी को आसन पर ऐसे बिठाया गया जैसे वो किसी महाप्रजा के महाराजा हों। उनके सामने कुछ जंगली फूल भी चढ़ाए गए। इसके बाद धन्ना जी ने दो थालियों में खाना डाला और एक ठाकुर जी के आगे रख दी, दूसरी अपने आगे। ये सब करते हुए धन्ना जी की बहन उन्हें देख रही थी। धन्ना जी बहन से बोले, चलो यहां से, ठाकुर जी किसी के सामने भोग नहीं लगाते। बहन भी बोल पड़ी, तो आप यहां उनके साथ बैठकर क्या कर रहे हैं फिर? भक्त जी ने जवाब दिया, अरे पगली, ठाकुर जी को पता भी तो होना चाहिए ना कि उन्हें भोग किसने लगाया है और बात किसकी माननी है, और मैं उन्हें खाना खाते खाते बता भी दूंगा कहां कहां और क्या क्या काम करना है, हमारे काम थोड़े जल्दी ही हो जाएंगे। बहन मुस्कुराकर बाहर चली गई। अब भक्त धन्ना जी ठाकुर जी के पास बैठे हुए देख रहे हैं कि ठाकुर जी कब खाना खाएंगे। भक्त धन्ना जी ठाकुर जी से बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे पता है आप किसी के सामने भोग नहीं लगाते, मगर क्या करूं, हमारे घर में पर्दा तो नहीं है पंडित जी की तरह, और ना ही मुझे उनके जैसे मंत्र आते हैं। तो ठाकुर जी हमारे घर में यही है,
जो हम खाते हैं वही आपके लिए भी बनवाया है। चलिए करिए शुरू, फिर काम करने भी जाना है। भक्त धन्ना जी ने देखा कि कोई हलचल नहीं हुई। भक्त धन्ना जी इंतजार करते करते फिर एकदम गुस्से से बोल पड़े, देखो ठाकुर जी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाते। अगर आप नहीं मानेंगे तो मानूंगा मैं भी नहीं। ऐसा करते करते भक्त धन्ना जी ने पूरे 6 दिन तक ठाकुर जी के खाना खाने का इंतजार किया, और 7वें दिन तक भक्त धन्ना जी ने भी कुछ नहीं खाया। गांव के लोग घर के बाहर जमा हो गए, सब भक्त धन्ना जी को देख रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। भक्त धन्ना जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, शरीर एकदम दुबला पतला हो चुका था और आंखें खुल ही नहीं पा रही थी, लेकिन जुबा पर सिर्फ ठाकुर जी का नाम था। मंदिर के पंडित जी जब तक भक्त धन्ना की ये बात पहुंची, पंडित भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भक्त धन्ना जी को जब मृत्यु के बिल्कुल पास देखा तो उनकी आंखों के सामने वो सारी बातें आ गई जो उन्होंने ठाकुर जी देते हुए भक्त धन्ना जी से कही थी। वो ये सब बातों को सोचकर एकदम घबरा गए और वहां से डर के मारे वापस भाग निकले। वहां भक्त धन्ना जी ठाकुर जी के आसन के पास बैठे अपनी आखिरी सांस जैसे ही लेने लगे तो ठाकुर जी एक किसान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भक्त धन्ना जी का हाथ पकड़ लिया। ये देख भक्त धन्ना जी की सांस में सांस आ गई। उन्होंने ठाकुर जी को देखा और एकदम से बोले, इतनी देर लगा दी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ होने देता? भक्त धन्ना जी की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। ठाकुर जी ने भक्त धन्ना जी को अपनी गोद में लिटा दिया और खुद खाना खाने लगे। तो भक्त धन्ना जी फिर बोले, वाह, एक तो देरी से आए और ऊपर से खाना भी अकेले अकेले खाओगे। कहते हैं ठाकुर जी ने अपने हाथों से भक्त धन्ना जी को खाना खिलाया और उसके बाद भक्त धन्ना जी ने जो जो काम ठाकुर जी को बताए वो सब भक्ति प्रेम से ठाकुर जी करते चले गए। धन्ना के कहने पर ठाकुर ने बैल के साथ मिलकर बंजर खेत को जोता, बीज बोए, पानी दिया और देखते ही देखते लहलहाते फसलों को बंजर धरती पर उगा दिया। भक्त धन्ना जी के खेत में भारी मात्रा में ज्वार की खेती हुई। देखते ही देखते सारा कर्जा उतर गया और बहन की शादी भी धूमधाम से हो गई। जो जो भक्त धन्ना जी ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी कर देते। घर की मरम्मत हो चुकी थी, महल से घर का निर्माण हो चुका था,
गाय बैल सब वापस आ चुके थे। अब घर में घी दूध की कोई कमी नहीं रही। भगत धन्ना ने अपनी सच्ची भक्ति और भोलेपन के चलते भगवान को पूर्ण रूप से पा लिया था। यही भगत धन्ना आगे चलकर अंगिनत लोगों को ज्ञान देने वाले महासागर बने। आपको बता दें कि आज सनातन धर्म के साथ साथ सिख पंथ के लोगों में भी भगत जी के प्रति गहरी आस्था है। भगत धन्ना जी की निस्वार्थ भक्ति हमें सिखाती है कि मनुष्य को प्रयास करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रयास ही परिणाम में बदलता है। आपने यह कहानी सुनी, अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही है। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं। समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।